नमस्कार दोस्तों, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक खबर से ऐसी खबर से रूबरू आप लोगों को करा रहा हूं जो काफी दिनों से ट्रेंडिंग चल रही थी, लेकिन अचानक उस खबर में फिर एक अलग खबर बन गई। मैं बात कर रहा हूं अमेठी जिले के गौरीगंज इलाके के आरिफ और सारस की दोस्ती की। आरिफ और सारस की दोस्ती की चर्चा अभी एक महीने से ही शुरू हुई थी, अचानक इस पर एक नया मोड़ आ गया और हुआ यूं कि वन विभाग के लोगों ने पहुंचकर आरिफ से उनके दोस्त सारस को जुदा कर दिया। यह जुदा होने के बाद आरिफ का हाल बेहाल है, आरिफ काफी दुखी है। हमने फोन पर उनसे बात करना चाहा लेकिन वो बात नहीं किए। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत दुख है। दोस्तों बता दें, आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अमेठी के गौरीगंज में आरिफ से मिलने आए थे। यह खबर भी काफी सुर्खियां बटोरी थी, काफी लोगों ने देखा था और राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा हुई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनाम देने की भी बात आरिफ को कही थी। अब यह बात खुल के आ रही है, कहीं आरिफ राजनीति के तो शिकार नहीं हो गए, क्योंकि अखिलेश के आने से बाद वन विभाग अचानक जाग गया। ठीक है, आप किसी राजकीय पक्षी को नहीं रख सकते हैं, लेकिन सवाल तो वहां खड़ा होता है जब वही सारस जो घायला अवस्था में आरिफ को उनके खेत में मिला था, आरिफ ने उसकी दवा की, वो ठीक हो गया। काश आरिफ नहीं मिलते तो क्या वह सारस जिंदा रहता, यह भी बड़ा सवाल है। तब वन विभाग वाले कहां थे, लेकिन अब जब आरिफ ने सारस को दवा किया, सारस ठीक हो गया, आरिफ सारस के बिना नहीं रह सकते हैं और उनके वीडियो सोशल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे करोड़ों लोगों ने देखा और चर्चा भी हुई, लेकिन अचानक वन विभाग की टीम आती है और सारस को आरिफ से अलग करके लेके चली जाती है। फिर वही सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो गया? क्या जब आरिफ ने सारस को बांध कर नहीं रखा था, कैद करके नहीं रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी, वह स्वच्छंद था, खुले में जाता था आता था, जैसा कि वीडियो भी लोग देखते थे। जब जब इंटरव्यू के लिए मीडिया के लोग गए, मैंने भी कवर किया, तब आरिफ ने कहा कि मैंने इसको कैद नहीं किया है और इनको और रखा है, जो है ये फ्री रहता है, घूमता है, टहलता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या शासन प्रशासन की नींद तब जागी जब अखिलेश यादव आ गए? कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि आरिफ राजनीति के शिकार हो गए, आरिफ के यहां अखिलेश का आना शायद सत्ता पक्ष को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये बातें कर दी कि आरिफ को सारस की जो बातें हुई उससे वन विभाग जाग गया। वन विभाग का कहना है कि ये जो है राजकीय पक्षी है, इसको आप कैद करके नहीं रख सकते, इसीलिए वन विभाग की टीम आरिफ के घर आई। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि वन विभाग की टीम आई है, कागजी कार्रवाई कर रही है और सारस को एक गाड़ी में भर के ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार आप लोग देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे वीडियो चल रहे हैं। तो फिर वही सवाल उठता है कि क्या आरिफ को सारस से जुदा करना था? आप लोग कमेंट करिएगा, क्या यह सरकार का फैसला सही है? क्या इसमें राजनीति तो नहीं हो रही है? क्या आरिफ के साथ राजनीति तो नहीं की जा रही थी, की जा रही है? यहां अखिलेश ने जिस तरह आके अखिलेश के जिस तरह यहां आने पर जो अचानक राजनीतिक गलियारों में आरिफ की चर्चा हुई थी, क्या उसी का तो नतीजा नहीं है? ये लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर करिएगा। अब ये भी लिखिएगा कि क्या आरिफ सारस को नहीं बचाते तो क्या वह जिंदा रह पाता? इसी तरह एक मामला प्रयागराज के आमिर का भी है।
आमिर के पास भी एक सारस का बच्चा है, वो भी सुर्खियां बटोर रहा है, वहां भी वन विभाग की टीम पहुंच गई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर हो या राजकीय पक्षी सारस हो, इसको कोई कैद करके नहीं रह सकता, ये स्वच्छंद रहने वाले पंछी हैं। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि अचानक आरिफ और सारस की जो दोस्ती थी, चर्चा बनी, उसके बाद इस पर किसकी नजर लग गई, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये लिखिएगा कि इसके जिम्मेदार क्या आरिफ को सारस से अलग रख दिया जाए या फिर उनको साथ में रखा जाए। सरकार को भी सोचना होगा कि राजकीय पक्षी जब खुले में घूम रहा है और सारस जो है आमिर के यहां आ रहा है, जा रहा है, तो उसको जो है क्या आरिफ ने कैद किया था, ये सब भी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं था तो आरिफ के पास सारस को रहने दिया जाना चाहिए था, ये मेरा मानना है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है वीडियो में जरूर बताएं। और जबकि इस घटना के पास बाद से आरिफ काफी दुखी हैं और वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। फोन पे हमने बात करने का प्रयास भी किया तो उन्होंने कहा कि हम इस पे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो काफी दुखी देखे गए। तो सबसे बड़ा यही सवाल है कि क्या वन विभाग को इस तरह का काम करना चाहिए था, आरिफ को सारस से जुदा करना चाहिए था। मेरी वीडियो कैसी लगी इस पे कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।